रहते कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती हैं, और उससे ही रिलेटेड एक टॉपिक है वेंटॉफ फैक्टर। वेंटॉफ फैक्टर को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेंटॉफ फैक्टर करता क्या है। जैसे मैंने कहा मेरे पास ये वाटर है, और वाटर में मैंने 100 मॉलिक्यूल NaCl के डाले। अब ये जो 100 मॉलिक्यूल हैं NaCl के, वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ब्रेक हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 200। 100 प्लस 100 ये हो जाएंगे 200, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए। तो कभी भी ऐसा हो कि पार्टिकल हमने यहाँ 100 डाले, लेकिन सॉल्यूशन में जाकर ये ब्रेक होके 200 हो जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जा रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी तो हमें एग्जैक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चाहिए। हमें एक करेक्शन फैक्टर बनाना पड़ेगा कि जब जब ऐसा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी और एक करेक्शन फैक्टर एग्जिस्टेंस में आएगा। तो ये वेंटॉफ फैक्टर कब निकालते हैं, आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे कि वेंटॉफ फैक्टर कब हमें निकालना है। क्वेश्चन में क्या दिया हो, वेंटॉफ फैक्टर निकालना है। तो कहीं भी अगर एसोसिएशन और डिसोसिएशन हो रहा है, एसोसिएशन जैसे हमने 100 मॉलिक्यूल वाटर में डाले, अब वो डायमर बनाते हैं तो 50 ही रह जाएंगे, जैसे एसिटिक एसिड के केस में होता है। हमने एसिटिक एसिड के 100 मॉलिक्यूल वाटर में डाले, अब ये एसिटिक एसिड डायमर बना लेगा सॉल्यूशन के अंदर, तो यहाँ पर 100 की जगह वो 50 ही रह जाएंगे। अब इस पूरे को हम एक मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे, क्यों, ये एक एसिटिक एसिड, ये दूसरा एसिटिक एसिड, दोनों ने आपस में H बॉन्ड बना लिया और डायमर बना लिया, तो 100 मॉलिक्यूल कितने रह गए, 50 रह गए। तो यहाँ पर एसोसिएशन हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए तो वेंटॉफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। अगर डिसोसिएशन हुआ तो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएंगे, जैसा कि हमने NaCl के केस में देखा था, तो वेंटॉफ फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट, वेंटॉफ फैक्टर कब निकालना है, ये जो I की वैल्यू है वो कब निकालना है और कैसे निकालना है। तो कहीं भी अगर क्वेश्चन में अगर उसने बोल दिया एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अगर ये वर्ड इनमें से कोई भी एक वर्ड यूज कर लिया तो हमें वेंटॉफ फैक्टर निकालना है। डिसोसिएशन के केस में वेंटॉफ फैक्टर 1 से ज़्यादा होगा, वहीं एसोसिएशन के केस में वेंटॉफ फैक्टर 1 से कम होगा। अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन कहा तो वेंटॉफ फैक्टर निकालना है। सेकंड, अगर उसने अल्फा दे दिया, अल्फा कहलाता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और परसेंटेज डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और परसेंटेज डिसोसिएशन उसने दिया है, अल्फा दिया है, तो भी हमें आई निकालना होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला है, अल्फा डिसोसिएशन के केस में अल्फा इज आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, वेयर एन इज नंबर ऑफ आयन। ये डिसोसिएशन का फॉर्मूला है, और एसोसिएशन के लिए अल्फा इज 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन एन, ये एसोसिएशन का फॉर्मूला है। एसोसिएशन के केस में अगर मैंने कहा डायमर बन रहा है, तो डायमर बन रहा है तो यहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर मैंने कहा ट्राइमर बन रहा है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। वहीं अगर मैंने कहा NaCl कितने आयन में ब्रेक होगा, 2 आयन में ब्रेक होगा, तो N की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मैंने कहा K2SO4, तो यहाँ K2SO4 कितने आयन में ब्रेक होगा, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस 2, तो इसके 2 आयन, इसके 1 आयन, तो ये 3 आयन में ब्रेक होगा, तो यहाँ N की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो अगर अल्फा दिया हो तो आई कैसे निकालना है, एन नंबर ऑफ आयन तो हम पता ही लगा लेंगे, और अल्फा दिया है तो हम आई निकाल लेंगे। अब अल्फा बोलेगा 40% है तो अल्फा हो जाएगा 0.4, अगर उसने बोला 30% है तो 0.3। तो इस तरह से अगर अल्फा दिया हो तो भी आई निकालना है क्वेश्चन में। थर्ड, अगर अल्फा नहीं दिया, थर्ड पॉइंट की हम बात करें,
अब जैसे वो कोई इलेक्ट्रोलाइट देता है, जैसे उसने कहा NaCl, अब NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है और सॉल्ट है, सॉल्ट का अल्फा वन होता है, ये 100% ब्रेक होता है। अगर उसने अल्फा नहीं दिया है तो वो बोलेगा कि इट इज़ कम्प्लीटली डिसोसिएटेड, या फिर बोलेगा अल्फा 100% है, या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या परसेंट आयनाइजेशन 100% है। तो ऐसे केस में जो n की वैल्यू है, अब जहाँ यहाँ पर n कितने मिल जाएंगे, 2, तो यहाँ पर n की जो वैल्यू होगी वही i की वैल्यू होगी। तो जितने नंबर ऑफ आयन्स में ब्रेक होगा वो i की वैल्यू है, जैसे K2SO4, इसमें i की वैल्यू 3 हो जाएगी। चलो अब अपन इसमें देखते हैं K3FeCN whole 6, इसमें i की वैल्यू 3K+ और FeCN whole 6 की पावर -3। ये देखो ये कितने आयन्स में ब्रेक हो जाएगा, 3 आयन और ये 4 आयन, तो यहाँ पर i की वैल्यू हो जाएगी 4। तो कभी भी क्वेश्चन में उसने इलेक्ट्रोलाइट बोला, एसोसिएशन बोला, डिसोसिएशन बोला, अल्फा की वैल्यू दी, या फिर उसने किसी भी तरह का इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लिख दिया NaCl, K2SO4, CaCl2, K3FeCN whole 6, इस तरह का कोई भी सॉल्ट दिया क्वेश्चन में, तो i की वैल्यू हम इस तरीके से निकालेंगे। और ग्लूकोज, यूरिया, सुक्रोज, इन सब के लिए i की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ना ही ये डिसोसिएट होते हैं ना ही एसोसिएट होते हैं। और डिसोसिएशन के केस में i की वैल्यू 1 से ज़्यादा आएगी, एसोसिएशन के केस में i की वैल्यू 1 से कम आएगी।